नमस्कार, मैं हूँ आपकी सुधांशु तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबरों का। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तहलका मचा दिया है। इस दौरान कोरोना मरीज अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे हैं और बेड और ऑक्सीजन ना मिलने से कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। इसी बीच एक सरकारी डॉक्टर ने दावा किया है कि उसका बनाया शराब का काढ़ा कोरोना मरीजों को ठीक कर रहा है। दरअसल यह मामला महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का है। यहाँ के शिवगांव तहसील के बोदे गांव स्थित कोविड सेंटर में तैनात डॉक्टर गणेश भीसे ने दावा किया है। शिवगांव तहसील के अनेक व्हाट्सएप ग्रुपों में गणेश भीसे की ये पोस्ट काफी वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने देशी शराब के काढ़े के द्वारा कोरोना मरीज के कारगर होने का दावा किया है। डॉक्टर गणेश भीसे ने अपने वायरल पोस्ट में यह भी कहा है कि मैं शराब और नशे का समर्थन नहीं करता, लेकिन अब तक मैंने 50 से भी ज्यादा मरीजों पर देशी शराब का इलाज करके ठीक किया है। आगे उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि इसे बनाने के देशी शराब की मात्रा 30 ml तक होनी चाहिए। इस वायरल पोस्ट में डॉक्टर के दावे से पूरे इलाके में सनसनी छा गई। इसके बाद डॉक्टर भीसे से जब संपर्क साधा गया तो उन्होंने भी इस मामले पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने यह दावा अनुभव के आधार पर किया है और मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने 50 से ज्यादा कोरोना मरीजों को ठीक भी कर दिया। हालांकि जैसे ही यह खबर अहमदनगर जिला प्रशासन तक पहुंची तो उसने डॉक्टर गणेश भीसे को एक नोटिस जारी कर दिया है और पूरे मामले पर सफाई भी मांगी है। इसके बाद डॉक्टर गणेश भीसे ने अपना किया हुआ वादा खारिज कर दिया है, दावा भी खारिज कर दिया है और दूसरी पोस्ट वायरल कर दी है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन नंबर भी बंद कर दिया। शिवगांव सरकारी अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर सलमा हिरानी ने बताया है कि डॉक्टर गणेश भीसे गवर्नमेंट अस्पताल में कार्यरत है, उन्होंने जो दावा किया है वो फेक है। तो इधर खास खबर के लिए बने रहिए।